हॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में जिसका बजट तो काफी हाई था लेकिन उसने कलेक्शन किया काफी लो। आखिर वो फिल्में कौन सी है जानने के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर वन, सम्राट पृथ्वीराज। इस फिल्म में लीड रोल पे अक्षय कुमार, संजय दत्त थे। मेकर्स को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन लोगों को अक्षय कुमार का इस फिल्म में कास्ट पसंद नहीं आया, जिस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का बजट था 175 करोड़, लेकिन इसने कलेक्शन किया सिर्फ 90 करोड़ का। नंबर टू, जीरो। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल पे शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट तो काफी यूनिक था, लेकिन इस फिल्म को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद नहीं किया गया, जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इसने कलेक्शन किया 186 करोड़ का। नंबर थ्री, मोहनजोदड़ो। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल पे ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े थी। रिलीज से पहले मेकर्स को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये फिल्म सुपर हिट जाएगी, क्योंकि ये ऋतिक रोशन की मूवी थी, पर लोगों को इसकी स्टोरी काफी वीक लगी, जिस वजह से 115 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 108 करोड़ कमा पाई और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वैसे इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट बॉक्स